मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 3 के बाद हम लोग आएंगे स्टैंडर्ड 4 के बाद। 4 में आपके पास जो है कोमा लगाने के लिए, आप कोमा जानते होंगे, जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू में हम लोग इंडियन प्लेस की बात करें, प्लेस वैल्यू की बात करें, तो वहां पर हमको 3 डिजिट पर कोमा लगता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 है। अब ये इंडियन में क्या होता है कि 1 2 3 के बाद कोमा लगता है, फिर 1 जो है 2 2 के बाद लगता है, जो बच जाते हैं वो लगते हैं। इस तरह से हमारा कोमा लगता है, ये हमारा वंस होते हैं, ये टेंस होता है, ये 100, तो 3 के बाद कोमा लगता है, फिर आपका थाउजेंड्स है, 10,000 है, उसके बाद लाख है। इस तरह से हमारे कोमा लगते हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपके पास कि कोमा आप कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन है कि पुट कोमा द फॉलोइंग नंबर्स। सबसे पहला क्वेश्चन कि पुट द कोमा टू द फॉलोइंग नंबर्स। तो इस नंबर में आपको कोमा लगाना है, बहुत ही सुंदर सा सवाल है, आपको कोमा लगाना है, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का है। कोमा कैसे लगाते हैं, तो कोमा लगाते हैं, जैसे पहला नंबर ए है, आपके पीडीएफ में ये सारा चीज जो है दिया हुआ है, 12003 12003। बी नंबर के सवाल है आपके 30045 30045। तब देखिए कोमा कैसे लगता है, ये संख्या को यहाँ पे लिखेंगे 12003 अंक पे आपको कोमा लगाना है, जो बच गया छोड़ देना है। यहाँ भी देखना है कि 300 और 45 है, तो वो 3 डिजिट के बाद कोमा लगा देंगे। इस तरह के और भी जो सवाल हैं आपके पास, जैसे सी नंबर है क्वेश्चन, आपको 45123। आपके डी नंबर के क्वेश्चन है 55613 है, और ई नंबर के क्वेश्चन है, ई नंबर क्वेश्चन है 707067 है, और एफ नंबर का आपका क्वेश्चन है 707007। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आप सुंदर तरीके से बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपके पास कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, व्हाट इज द प्लेस एंड फेस वैल्यू। प्लेस एंड फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। एक संख्या हम लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन है आपके पास कि 4 4 in 65400। इसमें आपको लिखना है प्लेस वैल्यू क्या हो, क्या है इसका, और फेस वैल्यू क्या। प्लेस वैल्यू आपका देखिए क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 का होगा 400 400, और फेस क्या होगा, तो फेस वैल्यू जो इसके होंगे तो मात्र और मात्र 4 होंगे। इस तरह से आपको बी नंबर के सवाल को लिखना है, और वह है 5A5A 2424532। तो इस तरह से इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों लिखना है। सी नंबर के सवाल है कि 7A 7A इसमें, तो 48871 48871। तो ये दोनों चीज लिखना है आपको, प्लेस और फेस वैल्यू दोनों लिखना है। और डी नंबर के क्वेश्चन है 6A 6A 8 6 7 7 8 8 6 7 7 8। तो ये आप बना लेंगे। और ई नंबर के क्वेश्चन कहते हैं 0 in 0 in आपको क्या निकालना है इसमें, तो 9 0 9 0 6 6 5 दिया हुआ है। तो ये सारे सवाल है आपके पास, और इस सवाल को आराम से बना सकते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग 5 डिजिट की जब हम बात करें, तो कैसे हम लोग लिखते हैं, रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं। एक एबेकस वाला है, पुरानी पद्धति है, उसको भी हम लोग देखें। आपको एक्सरसाइज 1.3 में इसका कुछ पार्ट्स ऐसा बचा हुआ था, इसलिए हमने दे दिया।
1.3 में है रीडिंग एंड राइट, रीडिंग एंड राइट करना है 5 डिजिट नंबर को रीड भी करना है और राइट भी करना है। तो सबसे पहली बात है, पहला क्वेश्चन का पहला है कि यूजिंग राइट द न्यूमरल फॉर द गिवन नेम एंड द रिप्रेजेंट फ्रॉम द एबेकस। आपको एबेकस पर रिप्रेजेंट करना है। एबेकस पे कैसे होता है, तो ये देखिए, ये 4 डिजिट हो गए तो एक 5 डिजिट हो गए। ये आपको वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और 10,000 होते हैं। अब यहाँ पर आपको एबेकस में आपको रिप्रेजेंट करना है कोई संख्या को, और यहाँ पर आपके एक बॉक्स बने हुए हैं सारा चीज का, और कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करिएगा। नीचे लिखा हुआ 20,300, नीचे लिखा हुआ है 20,000 एंड 3